अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करते टाइम पास में जो घंटी है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज निधि और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी गवर्नमेंट जॉब के बारे में जिनमें मैथ्स नहीं आता है, और आता भी है तो बिल्कुल ना के बराबर आता है, जिसको आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे या फिर आपके सिलेक्शन पे ये कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला। ओके, तो यहां पे कुछ ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में हम बात करेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी जैसे भी जो भी जॉब का नोटिफिकेशन रहेगा और बाकी इन एग्जाम्स के बारे में कैसे प्रिपरेशन करनी है तो मैं टाइम टू टाइम आपको बताती रहूं। पहली जॉब जो है हमारी, ये इम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे है। अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, और इस जॉब में आप बोल सकते हैं इस जॉब के एग्जाम में आपको मैथ्स नहीं देखने को मिलेगा। इसमें आपका इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस यही आएगा। और इस एग्जाम, ये जो इस जॉब के लिए जो एग्जाम होता है ये आपका हर साल होता है, तो ये एग्जाम आपको 2022 में भी देखने को मिलेगा। सेकेंड जो जॉब है वो है हमारी सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट की और स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर में आप किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन किया है, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको 12th पास मांगा गया है, और इसमें जो एग्जाम होता है आपका, इसमें मैथ्स आप बोल सकते हैं ना के बराबर आता है। मतलब मैथ्स और रीजनिंग को मिला के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हार्डली आपको 7 या 8 क्वेश्चन आपके मैथ्स से आपको देखने को मिलेंगे, और ये भी बहुत बेसिक पूछा जाता है, तो आप इसको इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। और थर्ड हमारा कंबाइंड डिफेंस सर्विस सीडीएस में, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए जो एग्जाम निकलते हैं, अब आप ये बोलेंगे सीडीएस में जो आपके एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, और एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, आर्मी हो गया, तो इनमें तो मैथ्स मांगा जाता है। बट यहां पे हम बात कर रहे हैं सीडीएस में ही आपकी एक और पोस्ट होती है ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी की, इसमें आपका मैथ नहीं पूछा जाता। अगर आपने इसमें आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, और आपका इंटरव्यू होगा। ओके, इसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा, बट हाँ यहां पे इंटरव्यू काफी टफ होता है। फोर्थ नंबर पे हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो में पर्सनल असिस्टेंट और सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एग्जाम रहता है, जिसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, और पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपने अगर 12th किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो मैथ पूछा जाता है ये बहुत ज्यादा बेसिक आता है। ओके, तो इसमें आपका जो मैथ्स आएगा ये 20 मार्क्स का रहेगा और एकदम बेसिक आएगा, तो इसमें आपको, मतलब आप ये बोल सकते हैं आपका एग्जाम इजिली आप इसको क्वालिफाई कर लोगे। और इसमें आपका जो जनरल अवेयरनेस है वो आपकी 40 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 40 मार्क्स का रहेगा। रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स की, इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और मैथ्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। ऑल ओवर ये 100 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। फिफ्थ नंबर पे हमारा है लोकसभा प्रोटोकॉल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए एग्जाम, और ये काफी, मतलब आप बोल सकते हैं काफी अच्छी जॉब है, और इसमें आपका मैथ्स नहीं पूछा जाता, और ये एग्जाम मोस्टली हर साल आता है, तो 2022 में भी ये एग्जाम आपको जहां तक है देखने को मिलेगा। और बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी जो भी नोटिफिकेशन जैसे भी आएगा तो मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। सिक्स नंबर पे है हमारी एयरफोर्स में एयरमैन और एफकेट की जॉब, जिसमें आप बोल सकते हैं आपका जो मैथ आता है बहुत ही, मतलब ना के बराबर आता है, इतना ज्यादा हाईफाई मैथ आपका नहीं पूछा जाता है, इसमें बेसिक मैथ आता है। अगर आपको बेसिक मैथ आता है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एफकेट के लिए आपने अगर किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन की है आप अप्लाई कर सकते हो, और एयरमैन के लिए आप 12th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। और सेवन नंबर पे है हमारी LIC ADO और AAO की जो पोस्ट होती है उसके लिए जो एग्जाम होता है, ये इस एग्जाम में आप बोल सकते हैं आपका जो मैथ्स पूछा जाता है वो इतना ज्यादा हाईफाई नहीं आता। आप अगर बेसिक मैथ की आपको नॉलेज है तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको इंश्योरेंस से भी रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग, बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है ये आपकी सिंगल एग्जाम आपका होता है, इसमें आपका कोई प्री मेंस का चक्कर नहीं रहता। एट नंबर पे हमारी यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब है, जिसमें आप बोल सकते हैं मैथ्स की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ये जॉब वन ऑफ द बेस्ट जॉब मानी जाती है
क्लास वन ऑफिसर की जॉब है ये आपकी। इसमें प्री और मेंस होता है। प्री में आपका मैथ आता है बट इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता। अगर आपको बेसिक नॉलेज है मैथ की तो भी आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। बट यहाँ पे जनरल स्टडीज पे ज्यादा फोकस किया जाता है और यूपीएससी जो भी एग्जाम्स कंडक्ट कराती है उन एग्जाम्स में यूपीएससी ज्यादातर आपकी आप बोल सकते हैं जनरल स्टडीज पे ज्यादा फोकस करती है। आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सारे सब्जेक्ट्स पे यूपीएससी ज्यादा फोकस करती है और मेंस में आपको मैथ देखने को नहीं मिलता है। नाइन्थ नंबर पे हमारी एसएससी सीपीओ की जॉब है जो कि असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब जो मैंने अभी आपको बताई है इसके अंडर ही आपका सब इंस्पेक्टर की जॉब के पोस्ट के लिए ये जॉब रहती है। इसमें आपके मैथ्स की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें आपका प्री और मेंस होता है एग्जाम। इसमें प्री में आपका मैथ्स आएगा, उसमें भी आपको सेक्शनल कट ऑफ नहीं मांगा गया है। अगर आपने मैथ्स अगर आपको आता भी नहीं है ना तो भी आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेंथ नंबर पे है हमारी एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और ग्रुप डी की जॉब जिसमें आपका मैथ नहीं पूछा जाता है। अगर आप ने 12th पास किया हुआ है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका जनरल अवेयरनेस आता है, इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है बट मैथ का इसमें कोई रोल नहीं है। इनके अलावा हमारे दो ऐसे एग्जाम्स हैं जो आप बोल सकते हैं काफी अच्छे और वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम है कंट्री के। पहला हमारा यूपीएससी जिससे आईएएस, आईएफएस, आईपीएस जो ऑफिसर बनते हैं यूपीएससी के थ्रू बनते हैं और इसमें आपका मैथ इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। आई नो सी सेट आता है बट सी सेट आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। ओके, इसमें जनरल स्टडीज काफी ज्यादा पूछी जाती हैं और आपको उन्हीं पे आपकी कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड जो आपकी जॉब है वो आपकी स्टेट पीसीएस की जॉब है। इसमें आपका जो मैथ्स होता है ये आपका ज्यादा मतलब हाईफाई मैथ नहीं पूछा जाता। आपका प्री में मैथ आएगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है और बाकी मेंस में मैथ नहीं पूछा जाता है। इसमें जनरल स्टडीज को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बाकी ये सारी हमारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स थी जिसमें मैथ्स की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आपका मैथ वीक है तो आप इन सारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी जैसा भी इन जॉब्स का नोटिफिकेशन रहेगा तो मैं आपको अपडेट करती रहूंगी अपने चैनल पे और इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन को कैसे क्या करना है सारी गाइडेंस आपको मेरे चैनल पे टाइम टू टाइम मिलती रहेगी।